हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी दो होममेड फेशियल मिस्ट फॉर समर्स, जो कि समर्स में आपकी स्किन को हाइड्रेटेड एंड रिफ्रेशिंग बनाते हैं। एंड इनमें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो भी देंगे। सो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे बनाना है। इन्हें बनाना बहुत ईजी है। तो फर्स्ट हमारा जो फेशियल मिस्ट है वो है मिंट एंड ग्लिसरीन फेशियल मिस्ट। तो इसके लिए हमें इन्ग्रीडियंट्स चाहिए, कुछ मिंट लीव्स, हाफ लेमन ग्लिसरीन एंड हाफ कप रोज वाटर एंड एम्प्टी स्प्रे बॉटल। सो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे एक बाउल लूँगी, उस पर मैं ऐड कर दूँगी हाफ कप ऑफ रोज़ वाटर। रोज़ वाटर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि रोज़ वाटर जो है आपकी स्किन को सूद करता है और आपकी स्किन को कूलिंग देता है। नेक्स्ट हम लेंगे लेमन का जूस। मैं यहाँ पे एक स्पून लेमन का जूस ले रही हूँ। लेमन जो है वो बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। लेमन में जो है नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इवन आउट करने में हेल्प करती है। सो इसलिए मैंने लेमन यहाँ पे यूज़ किया है। एंड इसकी जो खुशबू होती है वो भी आपके मूड को एकदम रिफ्रेश करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट मैं लूँगी ग्लिसरीन। यहाँ पर मैं दो स्पून ग्लिसरीन का ले रही हूँ। ग्लिसरीन जो है आपके स्किन को नेचुरल ग्लो देती है, आपके स्किन को डीपली क्लीन करने में हेल्प करती है, मॉइस्चराइज करती है एंड आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड अट्रैक्टिव बनाती है एंड हाइड्रेट भी करती है। सो इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें हाफ कप ऑफ मिंट का जूस। मिंट का जूस मैंने कैसे रेडी किया है मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये जो मिंट लीव्स लिए थे इनको मैंने एक कप पानी में बॉइल किया है जब तक कि पानी हाफ कप नहीं रह गया था। फिर मैंने वही पानी यहाँ पे ठंडा करके यूज़ किया है। सो मैं ये हाफ कप ले रही हूँ एंड ये रेडी है। इसको हमने स्टर करना है अच्छे से। उसके बाद अपने एम्प्टी जो स्प्रे बॉटल हमने लिया था उस पर शिफ्ट कर देना है, स्टोर कर देना है। मैं इसको स्प्रे बॉटल में डाल दूंगी। आप इसको फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए रखिए। उसके बाद ये यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा। एंड इसको आप एज अ मेकअप प्राइमर, एज अ मेकअप फिक्सर यूज़ कर सकते हो मेकअप करने से पहले एंड मेकअप करने के बाद में। नेक्स्ट जो हमारा फेशियल मिस्ट है वो है कुकुम्बर एंड एलो फेशियल मिस्ट। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे कुकुम्बर, एक मीडियम साइज कुकुम्बर, कुछ एलोवेरा जेल, लेमन और बॉयल किया हुआ वाटर। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुकुम्बर का जूस। मैंने उस कुकुम्बर का जूस निकाल लिया था। सो मैं यहाँ पे हाफ कप कुकुम्बर का जूस ले रही हूँ। कुकुम्बर जो है वो आपकी स्किन को क्लीन करता है, क्लिनजिंग का काम करता है एंड जो है वो ऑयली कॉम्प्लेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड नेक्स्ट ये जो है हमारी स्किन को मैं जो डार्क स्पॉट्स होते हैं इनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल। मैं 2 स्पून इसकी ले रही हूँ और लेमन भी मैंने ऐड किया है। लेमन में मैंने जैसे कि बताया कि लेमन जो है आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इवन आउट करने में हेल्प करता है एंड एलोवेरा जो है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है एंड सूद करता है। सो ये समर्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद मैं यहाँ पे ये जो बॉइल करके मैंने ठंडा किया हुआ पानी लिया था वो ऐड कर दूँगी एंड ये ऑप्शनल है। मैं यहाँ पे विटामिन ई का कैप्सूल ले रही हूँ। इसका तेल निकाल के मैं इसमें डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए क्योंकि ये विटामिन ई का कैप्सूल जो है बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, इसलिए मैं ले रही हूँ। सो मैं इसका पूरा ऑयल अंदर से निकाल के डाल दूँगी, अच्छे से स्टर करूंगी एंड शिफ्ट कर दूंगी स्प्रे बॉटल में।
एंड हमारा क्यूकम्बर एंड एलो फेशियल मिस्ट रेडी है। आप इसको फ्रिज में 2 हफ्ते तक स्टोर करके आराम से यूज़ कर सकते हो, ये ख़राब नहीं होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहें मेरे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।